मन की बात के खास कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्ता नहीं सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक। यूपीटीईटी का पेपर हुआ लीक, करीब 21 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, 23 आरोपी अब तक गिरफ्तार। देवरिया में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा एक माह के अंदर कराई जाएगी यूपीटीईटी की परीक्षा, आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। पूर्वांचल लाइट के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम, पूर्वांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे बड़ी खबरों के साथ। यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में ये कहा है कि टीईटी का पर्चा लीक कराने वालों के घर पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। सभी लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब तक 23 लोग पकड़े जा चुके हैं, वहीं जो फरार लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। एक बार जोरदार माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिनकी जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके, और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके कूद धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और वहीं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में होने वाली टीईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। दरअसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था और इसी के चलते अलग अलग शहरों से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से लखनऊ से 4, मेरठ से 3 और साथ ही गोरखपुर और वाराणसी से 2-2 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी को एसटीएफ ने पकड़ा है। पकड़े गए सभी लोगों के पास से लीक हुए पेपर की कॉपी बरामद हुई है। साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह भी जानकारी दी है कि फिलहाल के लिए इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर ही अंदर इस परीक्षा को दोबारा से आयोजित कराया जाएगा और परीक्षा दोबारा कराए जाने का पूरा खर्च सरकार ही उठाएगी। छात्रों को किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना होगा और ना ही कोई फीस देनी होगी। साथ ही साथ पेपर देने वाले बच्चों को बसों में निशुल्क सुविधा भी मिलेगी। न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो, और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ कामयाब रही है, और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
और उधर बस्ती के रुधौली विधानसभा के बिशुनपुरवा में एक विशाल विजय संकल्प रैली को आयोजित किया गया। दरअसल जहां रैली में पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के साथ अपना दल का गठबंधन पिछले 3 चुनाव से है, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल और बीजेपी के इस गठबंधन को दिल से स्वीकारा भी है। ये 4th चुनाव है जिसको हम साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। अपना दल का गठबंधन पिछले 3 चुनाव से है। हम पहला हमारा 17 का विधानसभा चुनाव और 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ चुके हैं और बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को दिल से स्वीकार भी किया है। ये 14 चुनाव है जो हम साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही हैं, करीब आ रही हैं, सियासी लोगों के दल बदलने की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे विजय मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी से सुल्तानपुर से 3 बार विधायक रहे जय नारायण ने भी बीजेपी का दामन थामा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। अपर मुख्य सचिव गृह एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडी अविनाश कुमार अवस्थी हमीरपुर पहुंचे, जहां पर जनपद में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निरीक्षण कार्यक्रम के चलते जिलाधिकारी डॉ. चंद्रभूषण और पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने एक्सप्रेसवे में बनाए गए हेलीपैड स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जिलाधिकारियों को और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको भी जरा जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो अधिकारियों और इंजीनियर्स को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवनीश अवस्थी यहाँ पर हमीरपुर पहुंचे थे, जहाँ पर उसके बाद उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद अधिकारियों को और इंजीनियर्स को दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। हमारे संवाददाता अमित हमें ज्यादा जानकारी देंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, अपर मुख्य सचिव गृह और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी हमीरपुर पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ जानकारी हासिल की, क्या कुछ उन्होंने निरीक्षण के दौरान यहाँ पर पाया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन सीओ यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी आज हमीरपुर के वर्मा नदी पुल के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में एक आवश्यक समीक्षा बैठक की और एक्सप्रेसवे के वर्मा नदी पुल के पास संपन्न की। उन्होंने बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी अधिकारियों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस के सड़क मार्ग की स्थिति, फ्लाईओवर, ब्रिज, पुल, पुलिया निर्माण और SR RBC रैंप, लुप्त यूपी विद्युत व्यवस्था, भूमि संबंधी प्रकरण, किसानों के भुगतान, रेलवे ओवर ब्रिज, नदियों के पुल निर्माण, वित्तीय स्थिति आदि की समीक्षा की, जिसमें सभी अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी पुल का निर्माण। अमित, क्या अवनीश अवस्थी जब वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, क्या कोई ऐसी चीज भी हुई जो उनके पसंद ना आई हो, जिससे वो नाराज नजर आए हो, क्या कुछ खामियां भी वहां पर पाई गई? जी नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अवनीश अवस्थी जी आज पहुंचे हुए हैं, वर्मा नदी का पुल का निरीक्षण भी किया और वहां पर जो व्यवस्था है और जो काम काज को लेकर है वो सभी जो भी कार्य हैं वो सुनिश्चित तौर पे पाए गए हैं और कार्य तेजी से लगातार कार्य करने के लिए उन्होंने सख्त आदेश भी दिया है। और इस मौके पर जिलाधिकारी और अवनीश कुमार और सभी अधिकारी मौके में मौजूद रहे। अमित, एक्सप्रेसवे का जो निर्माण कार्य है उसका जायजा लेने के लिए अवनीश अवस्थी यहाँ पर पहुंचे थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण उन्होंने किया। ऐसे में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है जब इतनी बड़ी कोई योजना बनाई जा रही हो, इतना बड़ा कोई निर्माण कराया जा रहा हो, उसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो, इसी को लेकर दिशा निर्देश इंजीनियर्स को और अधिकारियों को दिए गए हैं अवनीश अवस्थी की तरफ से। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा बुंदेल एक्सप्रेसवे को लेकर आज मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और
महोबा चित्रकूट और हमीरपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसे कहते हैं उसको लेकर समीक्षा की और उन्होंने जिलाधिकारी जो भी जिलाधिकारी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कार्यों की समीक्षा की और सख्त निर्देश किए जल्दी से जल्दी काम को प्रगति करके और जल्दी से जल्दी कार्यों को पूरा किया जा सके। ठीक अमित, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अच्छी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। देश में 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायु सेना, नौसेना,
और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य का क्लब पाइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3,00,000 बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से, जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर, आ गया है खबरों का। स्वागत है ब्रेक के बाद पूर्वांचल लाइव में। बात करेंगे आगे की खबरों की तरफ। यूपी के बांदा में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है, जहां नरैनी कोतवाली की रहने वाली एक महिला को उसके पति ने 3 तलाक दिया है। दरअसल पीड़ित महिला के मुताबिक उसके पति ने 5,00,000 रुपए दहेज लेकर आने की मांग की है। वहीं मामले को लेकर ASP ने ये बताया है कि एक नरैनी कोतवाली की एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने की शिकायत दर्ज कराई है। मामले में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं। एक महिला नरैनी कोतवाली अंतर्गत शिकायत की, उसको पति ने 3 तलाक दे दिया है। इस पे प्रभारी निरीक्षक को अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई निर्देशित किया गया है। और उधर अमेठी में भी UPTET परीक्षा रद्द होने का असर देखने को मिला है। दरअसल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुसाफिरखाना परीक्षा केंद्र पर आए छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महीनों तैयारी के बावजूद इस तरीके से परीक्षाओं का रद्द कर देना कहीं ना कहीं सरकार के खुफिया तंत्र से भी गहरा सवालिया निशान खड़ा करता है। सिर्फ पेपर लीक हो गया, ये बहुत बहुत ज्यादा गलत है, बहुत गलत बात है। लीक हो कैसे गया सर? हम लोग आम आदमी हैं, क्या गलती है? दिन रात एक करके पढ़ते हैं सर, दिन रात एक करके हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट है, यहाँ पे एग्जाम देने आए थे। पिछली बार मेरा 2 नंबर से रुक गया था, इस बार आए थे इतनी मेहनत करके, पेपर आउट हो गया, पेपर हाथ से ले लिया गया। ऐसा लग रहा है कि जान चली गई है। 2 सालों से ये परीक्षा नहीं हुई है और इसको कैंसिल करा है कुछ लोगों की वजह से। जो आप अपनी व्यवस्था सही करिए, आपको पेपर कराना है तो उसके लिए जांच एजेंसियां अच्छे से लगाइए, लेकिन चंद लोगों की वजह से सबका एग्जाम गड़बड़ हो रहा है। और वहीं यूपी में TET की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद उसके रद्द किया गया है, आपको बता दें, जिससे छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश भी है। बताते चले कि यूपी पुलिस का दावा है कि पेपर शुरू होने से पहले ही लीक हो गए, जिसके चलते परीक्षा को रद्द किया गया है। लेकिन 1 महीने बाद दोबारा से परीक्षा कराई जाएंगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को दोबारा कोई भी फीस नहीं देनी होगी। हम पेपर देने आए थे, अंदर जैसे ही गए
जैसे फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिलने के बाद फिल करने के बाद में थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि कोई लड़का बोलता है कि पेपर तो मेरे पास पहले से था और उसकी वजह से बोला पेपर कैंसिल हो गया, ऐसे वैसे पेपर नहीं हुआ। सर यहीं बांदई से हूँ, बट बेरोजगारी का जितना दंभ झेल रहा हूँ इस सत्ता शासन में, कई तो पेपर जो है फेल हो चुके हैं। 400 करोड़ रुपया परिवहन से और बच्चों के जितना भी समय का लॉस हुआ है ये सरकार दे नहीं सकती, और अगर इनने बजट अपने चुनाव के लिए ये सब रखा हुआ है तो हम लोगों से बच्चों से मांग लेते हैं, हम 10 नहीं 20 भी सब लोग दे देते। ये जो पेपर आउट हो रहा है ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, और चुनाव के पहले जो हुआ है मैं नहीं जानता या अपोजिशन ने किया या अन्य लोग कर रहे हैं। ये सरकार अगर दोबारा आना चाहती है इस राज्य में तो कृपया करे कि अपने सर्विलांस को और तेज करे और लड़कों पर कम से कम ध्यान दे, किसान तो मर ही रहा है, ये देश का भविष्य है, हम लोग जहाँ पैर मारेंगे वहाँ से पानी निकलेगा। पर बस इतना है कि सरकार जो हमारे ऊपर छाया देने वाली है वो हमको कम से कम इतना वो दिए रहे कि ये पेपर आउट। और वही अमरोहा के कलेक्ट्रेट में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी कई अहम मुद्दों पर बात की। आज ज्योतिबा फुले जो राष्ट्रपुरुष रहे हैं और समाज के लिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, नारी शक्ति के रूप में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा त्याग और तपस्या की थी नारी का सम्मान दिलाने के लिए, उनके नाम से अपने श्रम कल्याण परिषद ने भी ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के रूप में भी प्रारंभ की है। तो आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अपने जो श्रम कल्याण परिषद की योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार और विभागीय योजनाओं की समीक्षा, इसको लेकर के आज मेरा आना हुआ है। तो अभी हमने पुष्प अर्पित किए हैं उन महान आत्मा पर और अपनी अभी हम कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और उसके बाद में जो रूप और उधर संभल में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीत्रानंद गिरी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व में देश की सुरक्षा है, ओवैसी यूपी में शाहीन बाग बनाकर दिखाएंगे और वहीं यूपी में योगी जैसे कर्मयोगी की सरकार बार बार बनेगी। स्वयं नागरिक दर्जे का नागरिक होना चाहिए, वह यहाँ के संसाधनों का भरपूर लाभ उठा रहा है और भारत की संस्कृति को भारत की सरकारों को रोज गाली देता है, रोज उस पर आघात करता है। जो भारत की संस्कृति को आज तक अपनाने को तैयार नहीं है वो भारत का नागरिक होने का भी अधिकारी नहीं है। वह दोयम दर्जे का नागरिक बनना चाहिए और वोट का अधिकार उसका समाप्त होना चाहिए। और उधर कानपुर देहात में आईजी प्रशांत कुमार ने शिवली रसूलाबाद कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क ड्यूटी रजिस्ट्रों को चेक किया गया। बताते चले कि आईजी के इस निरीक्षण से थाने के पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान आईजी ने थाने में खड़ी सैकड़ों बाइकों को देखकर नीलामी कराने के आदेश दिए हैं। आईजी के निरीक्षण में कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। तो पुलिस अधीक्षक यहाँ पर अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिस दौरान पुलिसकर्मी जो थे उनमें हड़कंप मच गया। जो बाइक देखी थी उनको नीलामी के आदेश यहाँ पर दे दिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 9 कमालपुर में एमसीडी का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। कई महीनों से कूड़ा उठाने की गाड़ियां निगम स्कूल के अंदर धूल फाक रही हैं। दरअसल ये गाड़ियां सांसद मनोज तिवारी की तरफ से सांसद निधि से यहां के निगम पार्षद को छोटी गलियों में कूड़ा उठाने के लिए दी गई थी, लेकिन जब से ये गाड़ियां आई हैं तब से एक स्कूल में खड़ी हुई हैं और जर्जर हो रही हैं। वहीं जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जब इस बात की भनक लगी और इस बात के बारे में जानकारी हासिल हुई तो वे स्कूल पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर ये कहा कि ये पब्लिक का भरोसा है, सांसद निधि जनता के टैक्स के पैसे से बनती है और उस पैसे का यहाँ पर निगम द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं जब स्थानीय बीजेपी के स्थानीय निगम पार्षद कस्तूरबा
नंद बलोदी से ये सब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि ये गाड़ियां कलेक्ट्रेट इलेक्ट्रिक है और इन्हें चार्ज करने के लिए वार्ड में व्यवस्था नहीं है और इसीलिए वहां पर खड़ा किया हुआ है, इसीलिए इन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैं वार्ड नंबर 9 का अध्यक्ष हूं। लगातार लोग हमसे बात करते हैं कि कूड़े की गाड़ियां नहीं आती हैं, कूड़े की सफाइयां नहीं होती हैं और MCD लगातार रोना रोती रहती है। कभी बोलती है हमारे पास गाड़ियां नहीं है, कभी बोलती है हमारे पास कर्मचारी नहीं है, कभी कुछ नए नए बहाने बनाती है। लेकिन एक तरफ ये कूड़े की गाड़ियां यहाँ पर सड़ रही हैं, जो पब्लिक का जो पैसा है, सांसद निधि का जो पैसा है, वो उनका व्यक्तिगत पैसा नहीं होता है, वो सारा पैसा पब्लिक का पैसा होता है। MCD का जो पैसा होता है वो सारा पब्लिक का पैसा होता है। तो ये MCD का जो कार्यप्रणाली देख लीजिए आप, लगभग 5 से 6 गाड़ियां यहाँ पर सड़ रही हैं और इनको कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से स्टैंडिंग कमेटी में ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि हमारे पास लगभग 75% घरों से कूड़ा नहीं उठता। मैंने ये कहा कि हमारी छोटी छोटी गली है, उसके अंदर हमें छोटी गाड़ियाँ चाहिए। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मैं आज पूरे कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के 9 नंबर वार्ड के कार्यकर्ताओं का, सबका, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष, पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इनके माध्यम से मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ 5 गाड़ी खड़ी हुई है। इसका ऐसा है, गाड़ियाँ जरूर हमको मिल गई लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक की व्यवस्था नहीं है। कोई भी निगम पार्षद या हमारे मंडल के पदाधिकारी या MCD कर्मचारी अपने घर के अंदर के बिजली के कनेक्शन को लगा के इसको यूज नहीं कर सकता। कमर्शियल एक्टिविटी के तहत है, इसके लिए हमें चार्जर फंड है। इसलिए जो रखरखाव के लिए सबसे बड़ी बात है, एक रिक्शा लाखों रुपए का है। यदि हम कहीं इसको बाहर छोड़ते, जैसे हमारे रेडी रिक्शा आपने देखा होगा रोडों के किनारे पड़े रहते हैं, यदि ये रिक्शा ही पड़ा रहता है तो कोई भी उठा के लेके जाएगा। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।